साई अस्पताल दुग्गा ने कोरोना महामारी में लोगों को एहतियात बरतने का आह्वान किया है। अस्पताल एमडी डॉक्टर अभिषेक ठाकुर ने कहा कि मुसीबत की घड़ी में साई सदन को कोविड केयर सेंटर बनाया है और ये साई सदन दुग्गा अस्पताल से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उन्होंने बताया कि साई अस्पताल 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध है और लोगों में ये भ्रम है कि साई अस्पताल में कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि कोविड मरीजों को केवल साई सदन दुग्गा में ही रखा गया है, जो कि साई अस्पताल से काफी दूर है। मैं डॉक्टर अभिषेक ठाकुर, MD साई हॉस्पिटल दुग्गा, कोरोना के इस मुश्किल समय में आप सभी की अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। इस सरकार के निर्धारित हमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे होम से स्टे सेफ, बाहर निकलने पे मास्क का इस्तेमाल, क्योंकि इन सभी चीजों का पालन करने से में ही हमारी सुरक्षा है। इसके अलावा हमें हर तरह से सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए मुश्किल की घड़ी है। इस मुश्किल घड़ी में हमने अपना एक साई सदन, जो एक मैरिज पैलेस था, वो सरकार को इस्तेमाल के लिए दे दिया है, जो साई अस्पताल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर सरकार कोरोना पीड़ित लोगों की सेवा में अपने स्टाफ के साथ पूरा इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा साई अस्पताल अपने मरीजों के लिए 24 घंटे सेवाएं देने के लिए अभी भी पूरी तरह से खुला है। कृपया यहां आएं और अपनी सेहत के लिए साई अस्पताल में दी गई सुविधाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद।